हेलो, आज हम देखेंगे जो हैवी वाटर बोर्ड 2021 में पेपर हुआ है उसके जो 40+ क्वेश्चंस हैं, आज उनको हम देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ओके, व्हाट इज़ द कूलिंग रेंज इन कूलिंग टावर? नेक्स्ट, इफ ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज़ लो, व्हाट काइंड ऑफ कूलिंग टावर वी विल यूज़? मतलब अगर सराउंडिंग का जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है वो कम है तो हम किस टाइप का कूलिंग टावर यूज़ करेंगे? रिबॉयलर इज़ कंसिडर एज वन थियोरेटिकल प्लेट बिकॉज, ये आपको मिल जाएगा केमिकल पीडिया वाले सर के पास, जिसका आंसर है वेपर एंड लिक्विड लीविंग द रिबॉयलर आर इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम होता है उस टाइम। इफ़ द रिफ्लक्स रेशियो इज़ हाई टू अचीव द सेम कंसनट्रेशन द स्टेज वी विल इंक्रीज डिक्रीज और वॉट? क्या अगर रिफ्लक्स रेशियो हाई हो गया है तो हमें सेम कंसनट्रेशन लेने के लिए पाने के लिए जो उसकी स्टेजेस हैं कॉलम की उसमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सेम रहने देंगे या क्या करेंगे? इन हीट एक्सचेंजर द कोरोजिव मटेरियल इज़ इन, शेलन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में हम कोरोजिव मटेरियल जो है, कोरोजिव फ्लूड है, वो किस साइड रखते हैं? सेल साइड रखते हैं, ट्यूब साइड रखते हैं? व्हाट इज़ नॉमिनल साइज? नॉमिनल साइज बताना है कि पाइप में नॉमिनल साइज क्या होता है। स्टीम इजेक्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्टीम इजेक्टर इज़ यूज फॉर, मेनली वी यूज़ फॉर क्रिएट वैक्यूम इन कॉलम। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन था, एक ये भी था। वेयर इज गुरु गोविंद सिंह समाधि इज लोकेटेड? दैट इज इन नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह जी की जो समाधि है, समाधि स्थल, वो कहाँ है? नांदेड़, महाराष्ट्र में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन D2O, जो हैवी वाटर का होता है फॉर्मूला D2O, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं? मेटल्स में कौन सी बॉन्ड होती है? इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज एक्स, स्पीड इज वाई एंड स्टेशन लेंथ इज जेड, अगर किसी ट्रेन की लंबाई एक्स मीटर है, स्पीड उसकी वाई किलोमीटर पर आवर है और स्टेशन की जो लंबाई है वो जेड मीटर है, तो ट्रेन को स्टेशन क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? यूरिया का फॉर्मूला, इफ़ द पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फुलफिल द टैंक टुगेदर? अगर दो पाइप हैं जो एक 20 मिनट में और एक 30 मिनट में टैंक को पूरा भर देते हैं, तो अगर उन दोनों को साथ में मिलाया जाए तो कितना टाइम लगेगा? ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:6, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी? इफ अ वर्क इज कंप्लीटेड इन एक्स डे बाई वाई पर्सन दे विल वर्क डेली एट जेड आवर, तो एक्स लोग हैं जो एक किसी भी काम को वाई डेज में कंप्लीट करते हैं और पर डे जेड आवर काम करते हैं, तो उसमें बताना है कि इफ अ पर्सन वर्क टुगेदर फॉर बी, ए पर्सन वर्क्स टुगेदर फॉर बी नंबर ऑफ डेज, देन हाउ मच आवर ही विल रिक्वायर्ड टू डू कंप्लीट द वर्क? CO2 का परसेंटेज कितना होता है एयर में? फीड ऑफ कैटालिक रिएक्टर, कैटालिक रिएक्टर के लिए हम जो फीड यूज करते हैं वो क्या होती है? दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में है। स्टेट हु टच बाई मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा राज्य से जुड़ती हैं? उत्तर प्रदेश। एक्स स्क्वेयर प्लस 9x+18 के फ्रैक्शंस बताने हैं। ग्रेविटी डिकेंडर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, वो किस लिए यूज़ होता है? तो इनविजिबल लिक्विड्स जिनकी डेंसिटी अलग होती है।
When did Indian hockey team will win the World Cup? Indian hockey team जो World Cup जीती थी वो किस ईयर में थी? Coolest planet in solar system, सबसे ठंडा कौन सा है? एक light year कितने के इक्वल होता है किलोमीटर में? तो पावर साइज 16 है, 10^16 या 15 है। इफ डायमीटर ऑफ पाइप गेट डबल फ्लो विल, अगर किसी भी पाइप का डायमीटर डबल कर दिया जाए तो उसका फ्लो पे क्या असर पड़ेगा, वो घटेगा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? और सुरेश 20,000 रुपये बैंक से लेता है और 3.5% के इंटरेस्ट से 4 साल बाद उसे कितना अमाउंट वापस करना होगा बैंक को? इफ फ्लोर एरिया इज 5.9 मीटर एंड 7.5 मीटर एंड द टाइल्स इज 2,500 square per meter का रेट है उसका, तो कितनी मनी चाहिए पूरे फ्लोर कारपेट एरिया को फुलफिल करने के लिए? कोई भी लाइट अगर किसी डेंसर या ग्लास मटेरियल में से पास होती है तो जो लाइट की रेज हैं वो किधर बेंड होंगी? तो इसका होगा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है उसकी। एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा, सरफेस एरिया बढ़ाना होगा, क्या करना होगा? किसी भी मिक्सर में H2 है 10%, O2 है 20%, CO2 है 20% और रेस्ट इज 50%, तो ये टोटल 100% हो गया। ए वाटर गेट कंडेंस्ड 50% वाटर गेट कंडेंस्ड, हाउ मच H2 रिमेन इन मिक्सर? अगर 50% पानी उसमें से कंडेंस हो जाता है तो H2 का परसेंटेज कितना रहेगा उस मिक्सचर में? एक रिएक्शन 10% कंप्लीट होती है 5 मिनट में, तो 30-17% वो कितनी देर में कंप्लीट होगी? ओजोन लेयर इज नॉट अलाउड टू पास यूवी रेज, ओजोन लेयर जो होती है वो कौन सी रेज को पास नहीं होने देती? ओके, स्कीमेटिक नंबर कौन से होते हैं? फॉग में लिक्विड डिसअपीयर इन गैस, गैस डिसअपीयर इन लिक्विड, सॉलिड डिसअपीयर इन गैस, क्या होता है? लिक्विड डिसअपीयर इन गैस। लॉन्गेस्ट रेलवे कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रशिया। इफ साइज ऑफ ब्रिक इज 3 × 5 × 2.5 cm एंड वॉल साइज इज 5 m × 7 m × 3.5 cm, हाउ मच ब्रिक्स रिक्वायर्ड? ये देख लीजिएगा, इसमें 3.5 cm है और बाकी मीटर में। फॉर एल्कोहल वॉट काइंड ऑफ, सॉरी इसमें गलत टाइप हो गया है, फॉर एल्कोहल वॉट काइंड ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम वी रिक्वायर्ड? अब एक बस है जो ए एंड बी बस हैं, एक जाती है 45 मिनट में, एक जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बस बी बस 5.5 घंटे पहले पहुंच जाती है बस ए से, तो डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी? थैंक्स गाइस, अगर ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो बताइएगा, और आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।